अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा एक थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव भी है और मेन गपशप फ्रेंड्स के साथ। मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, ये मैं यहाँ एलिवेटर से बाहर निकली हूँ और अब मैं उनके कॉन्डो में जा रही हूँ। तो चलिए मूव करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और फिर जो हम टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, वो सारा मैं आपसे शेयर करूंगी। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ डोर खुलने का। तो देखें, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। ये देखें, हैप्पी वैलेंटाइन डे, थैंक यू। ये देखें जी, ये इनका छोटा सा, ये जो है ना, ये छोटा सा पपी, ये बहुत नॉटी है पोलो। ये मेरे साथ इतना फ्रैंक होता है और लवी डवी बनता है ना। चलो जी, अब हम इनके कॉन्डो में एंटर हो गए हैं और अब हम आपसे यहाँ पे मजे मजे की बातें करेंगे। जो हम खाना खाएंगे वो आपको बताएंगे और गपशप करेंगे। ये देखें, ये मेरे साथ आके यहाँ बैठ जाता है और फिर ये मेरे से गपशप करता है। ये बड़े मजे की चीज है। तो हम जब यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के घरों में इकट्ठे होते हैं, गपशप करते हैं, इंजॉय करते हैं और हमें फिर अपनी ना वो एक बैक होम की वाइब आती है कि नॉस्टैल्जिया के, और हम इंजॉय बहुत करते हैं इस चीज को कि हमारे यहाँ इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हमें बोलो तुम इंसान बन जाओ। हाँ जी, ये ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम अपनी उसी तरह का हल्ला-गुल्ला लगाते हैं, वैसी ही गपशप करते हैं जैसी हम बैक होम किया करते थे। और कभी हम बाहर भी खाना खाने चले जाते हैं। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में जब हम सिमको गए थे तो ये साइमा के साथ ही मैं गई थी, तो इनका जी का टेस्ट था वो डिस्कस किया था। वो खाना इतना लेट हो गया कि हम खाने की वीडियो अपलोड नहीं मैं कर सकी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि साइमा ने हमारे लिए क्या कुछ बनाया हुआ है और वो हमें क्या एंटरटेन करेंगी। और आप सुनाएं साइमा, बस ठीक था। वो सिमको से जो हम ड्राइविंग टेस्ट करके आए थे उसके बाद से आपका मोराल तो बहुत हाई हो गया होगा कि अब आप इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग कर सकती हैं। ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, थैंक यू सो मच। ये मैंने बाय किया था, मैंने कहा अभी आप वेकेशन पे जा रही हैं पाकिस्तान तो ये आप इंजॉय करेंगी। ये मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। ये ये मैं इन्हीं की सर्च में थी, मैंने कहा यही मिलेगी चीज तो मैं आपको दूंगी, इसलिए कि आपने मुझसे जिक्र किया था कि आपको ये चाहिए। चले, मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि आपको पसंद आया। अच्छा, अब हम ना अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं तो हमने कहा थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। तो आप जरा मुझे ना अपना कनाडा का एक्सपीरियंस बताएं कि आप लोग कब यहाँ आए, कितना अरसा आप यहाँ रही और आपका एक्सपीरियंस क्या सारा ओवरऑल। मुझे लोग यहाँ पे आ गए हैं 2014 से। अच्छा, ठीक है। हम लोग आए थे इन्वेस्टर बेसिस पे और हम लोग मॉन्ट्रियल लैंड किए थे और फिर हम एक्चुअली शिजा का एडमिशन हो गया था। अच्छा, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वो तो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट ही आई थी। अच्छा, तो फिर जब हमारा हो गया इमिग्रेशन का, लैंडिंग पेपर्स आ गए, फिर इसने अपना स्टेटस चेंज किया और फिर हम कुछ अरसा मॉन्ट्रियल में रह के कोई अराउंड अ वीक और पेपर वर्क अपना कंप्लीट करके फिर हम टोरंटो आ गए। फिर ये है कि हमने फिर 40 डेज वेट किया अपने पीआर कार्ड का और उसके मीनवाइल हम अपना ये कॉन्डो वगैरह देखते रहे। इससे पहले हम ग्रेनोवेशन में रहे और बस फिर हम हर साल आते थे एक दो महीने के लिए और फिर शिजा के बाद फिर साथ भी आ गया। ये कॉन्डो आप लोगों ने बाय कर लिया ना? जी, ये बाय। अच्छा, हम आते रहे इस तरह से हर साल। पहले तो साल में दो दफ़ा भी आते थे हम, दो दफ़ा आते थे, दो दफ़ा बच्चों को बुलाते थे तो इतना गैप नहीं फील हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो दिल नहीं लगता था। लेकिन आप ये बताएं कि दिल क्यों नहीं लगता था, क्या डिफरेंस आपको पाकिस्तान और कनाडा का फील होता था, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस फील होता हो? क्या कह सकती हूँ मैं, एक तो बस ये कह लें कि काम की इतनी आदत नहीं थी, सर्विस मिस करते थे। तो एज अ वेकेशन तो अच्छा लगता था, मगर रहने का जो है ना वो इतना नहीं था मुझे।
कि मैं रहूं। होमसिक हो जाती थी मैं। अच्छा बच्चे यहाँ होते थे तब भी आप होमसिक हो जाती थी। मैं अपने घर को बहुत मिस करती थी। अच्छा ये जो आपको बर्तनों की खड़ाक की इतनी आवाज आ रही है ना, ये हमारी बच्ची काम कर रही है किचन में, जिसने कभी काम नहीं किया। वो कुछ कर रही है, कुछ अपने खाने पीने का अरेंजमेंट, तो वो इतना खड़ाक, अच्छा बना नहीं रही है, निकाल रही, इसलिए इतना खड़ाक हो रहा है, तो प्लीज इसको इग्नोर करें। बस अब इस बच्ची की शादी की तैयारी के लिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं रुक जाती अभी। तो मेरा इरादा तो यही था पासपोर्ट लेके ही जाऊँ एक दफा। नहीं नहीं आप इस तरह एक दफा ना जाएं, आपने फिर वापस आना, हम क्या करेंगे। अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह ताला। चलें जी, कैफियत से जाएं आप, कैफियत से वापस आएं और हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी और फौरन आऊंगी और इंशाल्लाह अगला साल तो मैं पूरा आपके साथ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो फिर हम फुल एंजॉय करेंगे। वो तो हमने कहाँ जाना है, हमने जो प्लान किया था जो ट्रेन में जाना था, शीशे वाली ट्रेन। वो जो शीशे वाली ट्रेन में जाना था ना, वो हम दोबारा रिसर्च करेंगे कि कहाँ जाना, मुझे भूल गई है जगह। लेकिन हमने जाना, हमने अमेरिका, यूएस भी तो जाना है ना जी, वैनकूवर। अच्छा वैनकूवर में आप कह रही हैं जो है, ओके ओके ठीक है जी, वहाँ भी जाएंगे फिर हम, यूएस भी जाएंगे। ठीक है, ये सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट है, न्यूजर्सी जाने हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए जी आसमा आ गई है अब आप जी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी हैप्पी वैलेंटाइन डे, और ये वैलेंटाइन की तैयारियां देखें कितनी जबरदस्त हैं। ओए होए होए, वो पोलो भी खुश हो रहा है, इसको तुमने देख के हो रहा है। अब इतना हमने तुम्हारा इंतजार किया है, अस्सलाम वालेकुम, इतना तुम्हारा इंतजार किया, तो अब तुमने ना अपनी तैयारी से बता दिया हमें कि ये मैं ये वजह, हाँ ये जरूरी था इंतजार, और ये हम जो है ना, हम तुम्हें माफ किया। चलो ये आप गिफ्ट लाइए, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। गिफ्ट चल अब तू गिफ्ट दिखा क्या है, ये देखिए बहुत अच्छी। अब आपने कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, मुझे जरूर, बहुत जबरदस्त है आपका, जबरदस्त। मैं तुम्हारे लिए भी चाय ले आती, बट नहीं 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 मेरे लिए लाना जब मेरे घर आओगी। ये देखें जी, ये दूसरा गिफ्ट भी दिखाएं पहले आप, ये प्लेट्स का सेट है, प्लेट्स हैं देखिए, बहुत खूबसूरत है। हाँ वो मेरा कल है ईस्टर। हाँ ये देखें जी, ये इसका बैग देखें, ये कितना जबरदस्त है, ये देखें ब्यूटीफुल, ये अपार्टमेंट कितना प्यारा है ना। हाँ बाहर तुम बैल्कनी में जाना ना, नहीं तुम बाहर बैल्कनी में जाओ, बड़ा व्यू है जबरदस्त, जाके देखो ना। यहाँ आप यहाँ बैठ जाए, ठीक है भाभी, आपको हमने ना गर्मियों की चाय आपके साथ पूरी कर दिया। हम तो बड़ा एंजॉय करते थे, तो पूरी पूरी अफ्तारियाँ की हैं यहाँ पे साहब, वाकई जबरदस्त। और आपने हमारा बारबेक्यू एरिया नहीं देखा, ओह माय गॉड, बस नहीं अब मुझे ना पता है खराब होगा, नहीं मैं आके देखूंगी आप जब आप वापस आएंगी ना। नहीं अफ्तारियां की हैं इन्होंने और अब अफ्तारियों का टाइम आ रहा है, तो ये भाग रही हैं। साहिमा को ना टेंशन हो रही है, खाना बहुत लेट गर्म हो रहा है, तो कह रही है आप लोगों को भूख लग रही होगी। मैंने कहा भूख लग के खत्म हो गई, अब खाने को देख के भूख लगेगी। जी जी अब खाना इन्होंने सारा गर्मा गर्म करके लगा दिया है। ये आलू गोभी है, ये हलीम चिकन हलीम है, वो निहारी है, ये दम के कबाब हैं, ये नान है, और ये क्या है जी, ये कौन से कबाब हैं, ये शामी कबाब हैं, ये शामी कबाब हैं, और राइस भी बनाए हुए हैं इन्होंने, अमेजिंग भाभी, और खाने का टेस्ट जबरदस्त है। देखिए अब ना, अब आप जिस स्टेज पे हम आ गए हैं ना, अब ये खाने बनाने, खाने खाने ना, ये फ्रेंड्स के लिए एफर्ट किया करें। मियाँ को तो आप वो कहते हैं ना मुगलाई खाने भी खिला देंगे ना, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन उधर ज्यादा मजे का था।
और स्पेशली कुछ मियां जो थोड़ी बहुत खुद भी कुकिंग कर लेते हैं, फिर वो पूरे मुकाबले पे आ जाते हैं, चाहे वो अभी किंडरगार्टन में हो कुकिंग की। एक वीक की चाय हफ्जा इधर है बिल्कुल, एक वीक क्या आप रोज आए, मैं तो वेली निकम्मी हूं, मैं तो नहीं, तो एक उधर है ना उधर मेरे पास मेरी बालकनी पे। हाँ हाँ, ये सैटरडे की जो स्टोरी आपने डाली है ना, जो आपने ब्रंच रखा है, ये मुझे यहाँ आके पता चला है, आपने मुझे पहले नहीं बताया, बड़ी ज्यादा की आपने। जी प्लीज लेना, मैं खा रही हूँ भाई, मैंने हर चीज टेस्ट की है, कब मैं खा रही हूँ, अभी भी मैं रुकी नहीं हूँ, टेंशन ना ले। मैं पता है शर्म नहीं करती खाने में, सारी चीजें कि मैंने बनाया ही आप लोगों, और अगर मैंने नहीं खानी होती तो मुझे कुछ जोर नहीं डाल सकती। ये भाई देखो इधर, तुम देख ही नहीं रही मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, ये इस तरह की कैंडल यहाँ जलाने का ये नुकसान है, वो फैन ऑन करना पड़ेगा आपको। शैतानियां प्लीज आप लोग ना करें जो शैतानियां हम कर रहे हैं। और ये शैतानियां जब फ्रेंड्स मिलती है तो वो करती है। हाँ जी लेडीज, खाना खा लिया हमने, अब हम चाय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, अच्छा 5-10 मिनट्स के बाद। तो उसमें अब हम थोड़ी सी अपनी गपशप करते हैं। मुझे ये बताएं साइमा, आप यहाँ पे आई, आपने यहाँ से G2 और G की प्रैक्टिस की, किससे क्या कहेंगे जो जी ट्रेनिंग देते हैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से, आपने आपको एक्सपीरियंस हुआ है 1-2 इंस्ट्रक्टर्स का, तो जरा थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कुछ ऐसे लोगों से ट्रेनिंग ले लेते हैं जो उनको लॉज और रूल्स नहीं बताते। मुझे तो मेरा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा, वो इंस्ट्रक्टर ने मेरे बच्चों को भी कराया था मगर बच्चों ने बिल्कुल स्टार्ट में कर लिया था, वो हमें किसी ने इंट्रोड्यूस कराए थे, वो थोड़े बुजुर्ग से थे और सिख कम्युनिटी से। अच्छा अच्छा, तो मुझे 5-6 क्लासेस दी और वो मुझे इतना डिस्करेज करते थे कि मेरी उन्होंने बिल्कुल ही जो है ना वो सत्यानाश मार कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, बताते भी नहीं थे, वो डांटते ही रहते थे, एक ही कीता वो की कीता सही करते थे। आपने कहना था की कीता। मगर मुझे ना आश्रम के साथ बहुत मजा आया। अच्छा, मैंने 3 क्लासेस सीखी आश्रम और तीसरी मैं कह रही थी इनको मत करें। हाँ, ये मुझे कह रही थी, ने मैंने थर्ड दे इसलिए कि इनका कॉन्फिडेंस इतना शटर्ड हुआ था कि इनको यकीन नहीं था कि कर लेंगी ना। मैंने कहती कि आपने 2 क्लासेस इनफ है। मतलब है यहाँ पे जब इमिग्रेंट्स आते हैं या जो ड्राइविंग के लिए यहाँ पे टेस्ट की तैयारी करते हैं, उन्हें ये भी देखना होता है कि जो आपको इंस्ट्रक्टर जो आपको जिसे आपने हायर किया है या ड्राइविंग के लिए कॉल की है, वो किस किस्म का है, उसकी रेपो क्या है, वो किस तरह से सिखाता है, और आप खुद भी एज अ ह्यूमन उसको जज करें। मैंने कल पहली दफा 120 स्पीड पे हाईवे पे गाड़ी चलाई। अच्छा, मतलब वरना तो मुझे मैं 100 पे नहीं कर सक रही थी। तो ये जो हमारी है आपको रूल्स और लॉज सारे बताए थे, बिल्कुल बताए थे, और इन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं मजा आ गया। जी जी, ये मैडम आसमा बिल्कुल, और ये यहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर काम कर रही है और G2 G की तैयारी करवाती है रोड टेस्ट की, और मेरा बेटा जो है उसका भी टेस्ट है नेक्स्ट वीक, उसने भी मुझे कहा कि मैंने सिर्फ आंटी आसमा से एक क्लास लेनी है। अपने बेटे को भी, वो फिरोजी ने भी मुझे कहा है, को भी उसका कह रही है मेरा बेटा भी इसी से करेगा, और क्योंकि साइमा ने बताया है कि रूल्स और लॉज तो मुझे पता ही नहीं थे यहाँ पे, ड्राइविंग G2 लेने के बावजूद नहीं पता था। बिल्कुल, और दूसरी बात है कि जब फेयर भी हो अपने काम से, ऑब्वियसली फेयर होगा तो वो फेयर ही होगा, वो कहेगा मुझे लेसन नहीं करना और मुझे आपका मतलब आसमा कुछ सिखाएगा तो कहेगा ना लेसन नहीं करवाने, जब कुछ सिखा ही नहीं रहा तो लेसन तो करवाता रहेगा। दिल को खुशी मिली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे कनाडा में ऐसे लोग मिले, और जो है ना मुझे खुशी मिली कि एक और क्यों नहीं दोस्त है। अब हम घर जा रहे हैं, तो हमारा आज का पार्टी टाइम यहाँ खत्म होता है, इकट्ठे जाएंगे एलिवेटर से। मैंने जाना है पार्किंग 1 में, तुम लोगों ने जाना है पार्किंग 2 में। अब हम वापस जा रहे हैं और
बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा, बड़ा हमने एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। बाय बाय जी, मैं P1 पार्किंग में जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा गेस्ट, गेस्ट वो उधर है। आई नो मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ, गेस्ट पार्किंग है। वो खासमा की गाड़ी जो है ना, वो उन्होंने अपनी रेजिडेंस पार्किंग में पार्क करवाई थी, तो वो आसमा क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, उसको आइडिया नहीं है कि कहाँ से उसने बाहर निकलना है, इसलिए भाभी उसको साथ लेके अपने जा रही हैं। आज का ब्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। मैं गेस्ट पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके मेन एंट्रेंस पे आ चुकी हूँ, और आज बड़ा हमने एंजॉय किया। फ्रेंड्स ने मेरी सरप्राइज़ बर्थडे भी उन्होंने सेलिब्रेट की, वैलेंटाइन डे भी हमने विश किया, खाना भी खाया, आपसे गपशप की, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।